आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून से बीजेपी के विधायक गणेश जोशी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले दो लोगों को गिरफ्तार किया था। समाचार प्रेस आपको बता रहा था कि गणेश जोशी पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। पुलिस ने घोड़े शक्तिमान के पांव टूटने के मामले में जो FIR दर्ज की थी, उस मामले में हुई है विधायक गणेश जोशी की गिरफ्तारी। तो जब यहां पर आपको बताया कि जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान घोड़े को पांव में इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि वो काफी बुरी तरह जख्मी हो गया था, और मीडिया में खबर आने के बाद कार्रवाई हुई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता सुदीप जैन जुड़ चुके हैं। सुदीप, एक बड़ी कार्रवाई शक्तिमान मामले में। देखिए, शक्तिमान मामले में इस कार्रवाई को दो तरीके से समझा जाना चाहिए। जिस तरीके से आज राजधानी में राजनीतिक क्राइसिस मचा हुआ है, चर्चा है कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस की खिलाफत और भाजपा के लोग कांग्रेस के साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं, इस बीच ये बड़ा खुलासा हुआ है विधायक गिरीश सिंह का। विधायक, सारे भाजपा के विधायकों को कल ये आदेश हुए थे कि वो दो होटल राजधानी के पटेल नगर थाना क्षेत्र के दो होटलों में रुकेंगे, वहां वो रुके हुए थे। देर रात एक बड़े पुलिस अफसर ने हमसे ये शेयर किया था कि जो कभी विधानसभा सत्र चल रहा है, दूसरा संविधान में ऐसी व्यवस्था है, लिहाजा हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता है। लेकिन सारी स्थितियां सुबह तक बदल चुकी थी। करीब 8:15 पर मुझे संकेत मिल चुके थे कि कुछ टीम निकली हुई है और वो संभवतः वॉइस लाइन के बाहर गणेश जोशी को खोज रही है। वो इंटरव्यू कराने के जरिए भी गिरफ्तार करने के प्रयास में है, और करीब 9:15 विधायक को ले लिया गया अपने साथ। फिलहाल उनको कहाँ ले जाया गया ये खुलासा नहीं किया गया है, उनको फिलहाल शहर के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। एक ये मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कि जो बीजेपी करना चाहती है आज प्रोसेस, उसमें उसको पटनी दी जाए, और दूसरा घोड़े मामले में गिरफ्तारी की गई है। जबकि कल देर रात तक अक्सर कुछ और ही राग अलाप है, तथ्यों की सबूतों की जांच की बात कह रहे थे। तो सुदीप, अभी थोड़ी देर पहले पंकज से भी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि इस तरह से आज हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स देखने को मिलने वाली देहरादून में। और सुदीप, जो खबर आप दे रहे हैं यानी कि उस हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है विधायक की गिरफ्तारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।